नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों मार्च का महीना पूरा खत्म हो गया है, लेकिन अनुदेशकों का मार्च माह का मानदेय जो है वो अभी तक नहीं आया है, उसकी ग्रांट भी जारी नहीं हुई है। अनुदेशकों का मानदेय कम है और बहुत जल्दी मानदेय खत्म हो जाता है, इस कारण से मानदेय समय पर आना बहुत ही जरूरी है और इस बार मानदेय लेट हुआ है। लेट होने का कारण जो है मैं इस वीडियो में आपको अभी बता देता हूं। एक अपडेट है, एक्चुअली ये अपडेट जो है वो हिमांशु वर्मा जी के द्वारा दी गई है और मैं आपको अभी ये पढ़ के पूरी बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे ये देखिए, अनुदेशक मानदेय अपडेट मार्च माह। समस्त अनुदेशक साथियों को अवगत कराना है कि अनुदेशक मानदेय मार्च माह की ग्रांट 31 मार्च की क्लोजिंग होने के कारण अभी जारी नहीं हो सकती है। अतः अनुदेशक मानदेय मार्च माह की ग्रांट अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हर हाल में जारी हो जाएगी। आपका हिमांशु वर्मा, रायबरेली। अनुदेशकों का जो मार्च माह का मानदेय है जिसकी ग्रांट अभी जारी नहीं हुई है, उसका कारण जो है वो 31 मार्च की क्लोजिंग है। क्लोजिंग होने के कारण ही आपका मानदेय जारी नहीं हो सका, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अनुदेशकों का जो ग्रांट है वो अप्रैल के प्रथम सप्ताह यानी कि फर्स्ट वीक में ही हर हाल में जारी हो जाएगी और जारी होने के कुछ दिन के अंदर ही आपका मानदेय आपके खातों में आ जाएगा। इस बार मानदेय लेट हुआ है, लेट होने का जो मेन कारण है वो है मार्च की क्लोजिंग, और क्लोजिंग के कारण ही आपकी ग्रांट जारी नहीं हुई है, लेकिन फर्स्ट वीक में मानदेय आपके खातों में आ जाएगा, मतलब ग्रांट जारी हो जाएगी, उसके 4-5 दिन के अंदर ही मानदेय आपके खातों में भी आ जाएगा। इससे संबंधित जो भी अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।